बहुत सराहनीय प्रयास कल 21 अक्टूबर से और उसके पहले भी मैं आया था शहीद राजेंद्र सिंह की पत्नी का कार्यक्रम बाढ़ में हुआ था। शहीद स्मारक कल 21 अक्टूबर को पूरे भारतवर्ष में हमारे पुलिस लाइन में आज माननीय अशफाकुल्ला साहब की जयंती है। अब देखिए क्या कॉम्बिनेशन है, स्वामी विवेकानंद का चौराहा है, सुबह अशफाकुल्ला साहब की हम जयंती मनाते हैं। ये जो तहजीब है इस पर हम सबको फिदा होना चाहिए, घायल होना चाहिए। ये हर देश में नहीं मिलेगा, इतनी विविधता, इतने धर्म, इतने संप्रदाय और सब एक स्वर से भारत माता की जय बोल रहे हैं, जय हिंद का जय कर रहे हैं। तो मैं संतुष्ट हूँ कि अब 21वीं शताब्दी का जो स्वर्णिम भारत का सपना है वो निश्चित रूप से साकार होगा। विशेष उपलब्धि आज के इस कार्यक्रम में जो भी आयोजक थे या उनको साधुवाद और धन्यवाद, बच्चियों बहुत संख्या में भरे पब्लिक स्कूल की वो शिरकत कर रही हैं, वो चश्मदीद गवाह बन रही हैं इस आयोजन के, तो वो यहाँ से प्रेरणा ले रही। और बॉर्डर पे हमारे जो साथी बैठे हुए जवान बैठे हुए हैं उन्हें एक सुख अनुभूति हो रही होगी। एक पहले काफ़ी पहले एक माहौल सा था, उन्हें लगता था हम बॉर्डर पे हमें कोई परवाह नहीं है, आज उन्हें लग रहा है 135 करोड़ की जनता जो देश में वो परवाह करती है, उनकी इज्जत करती है, उनकी दीवानी है। देश में जिस तरीके से धर्म के लेकर चुनाव है ये कार्यक्रम से बिल्कुल डेफिनेटली होना चाहिए। देखिए हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूँ तो हिंदुस्तान अपने आप में एक मिसाल देता है, जो सभी धर्मों के लोग यहाँ पर भाईचारे और प्रेम के साथ रहते हैं और ये जो धार्मिक सांप्रदायिकता का माहौल कहीं ना कहीं नज़र आता है, ये मुझे लगता है कि बहुत दुखद है और इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इस तरीके के प्रोग्राम का आयोजन करना बहुत अच्छा लगता है। बहुत बड़ी खुशी होती है जिन्होंने देश के लिए, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान करके देश के लिए जो शहीद हुए उनके लिए जो आज भी प्रदर्शन दिया गया दीपावली के बारे में सहले अपने खुशी की बात है। बड़ी बड़ी बात है, पूरे लोग 3600 महीने मुस्लिम सिख ईसाई साथ में होकर दीपावली का कार्यक्रम आयोजित किया।